हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स को हम किस तरह से नेमिंग करेंगे। देखिए, एक ये एग्जांपल है हमारे पास कि इसमें जो है हमने इसका नेम कैसे लिखना है। तो फर्स्ट जो हमने रोल स्टडी किया था कि हमने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सेलेक्ट करनी है। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो हमने ये बोला था लॉन्गेस्ट चेन हमने ऐसे सेलेक्ट करनी है कि इसमें जो है सब्सिचुएंट आए उसको जो है आपको क्या है नंबर वन था कि सब्सिचुएंट जो आए उसको मस्ट गेट लोएस्ट नंबर, ठीक है। और दूसरा हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको भी जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उनको भी लोएस्ट नंबरिंग देनी है। इस तरह से हमने इसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो अगर हम देखें इसको स्टार्ट कर रहे हैं नंबरिंग, तो हम यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो नंबरिंग हम इधर से शुरू करना चाहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है नंबरिंग से वो हमारी क्या बन रही है 6 कार्बन्स की। 6 कार्बन का मतलब हमारा वर्ड रूट क्या आना चाहिए, हेक्स। और अब क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड के लिए हम जो प्राइमरी सफिक्स यूज़ करेंगे दैट इज़ हीन। एंड सब्सिचुएंट विच इज़ नॉट काउंटेड इन द लॉन्गेस्ट चेन दैट वी हैव टू सी इट इज़ ए 2 नंबर ऑफ कार्बन इज देयर, इट मीन्स इट इज़ करस्पॉन्डिंग इथाइल विल बी देयर फ्रॉम द इथेन इट 1 हाइड्रोजन इज़ लेस एल्काइल। एल्काइल ग्रुप जो होता है, हम एक बार दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, एल्काइल ग्रुप हमें मिलता है जब हम करस्पॉन्डिंग एल्केन में से जो है 1 हाइड्रोजन लेस कर देते हैं तो वो करस्पॉन्डिंग हमारे पास एल्काइल ग्रुप आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 2, सो फॉर द 2 इथेन, सो इथेन से हमारे पास क्या बन गया, मेन जो था इथेन, इथेन से अगर हमने 1 हाइड्रोजन लेस कर दी तो हमारे पास ग्रुप आ गया इथाइल। तो यहाँ पर सब्सिचुएंट हमारा बन गया इथाइल, तो प्रीफिक्स हमारा आ गया इथाइल। अब हम इसका पूरा नाम लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने थे 6, और क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी था तो हेक्सीन जो है मेन हमारा जो है नेम आया। और अब सब्सिचुएंट का नाम जो है पहले लिखा जाता है तो 3 पोजीशन पे, क्योंकि जो है कार्बन नंबर 3 पे हमारा इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 3-ethyl हेक्सेन इस कंपाउंड का कंप्लीट नेम हो गया। समझ आ गया आपको कि हमने जो है क्या करना है कि इस तरह से इसकी नंबरिंग करनी है कि लोवेस्ट जो है हमारे पास नंबरिंग आनी चाहिए अगर डबल बॉन्ड है या हमारे सब्सिचुएंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको जो है फिर नेमिंग देनी है। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं आगे हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग कि लोएस्ट नंबर रूल। लोएस्ट नंबर रूल जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हमने जो है सब्सिचुएंट को जो है लोएस्ट नंबर देना है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी हमने पेरेंट चेन है उसमें सब्सिचुएंट आता है उसको कोशिश करनी है कि लोएस्ट नंबरिंग दीजिए। जैसे ही हमने 2 एग्जांपल दिखाए हैं इसमें देखिए कि नंबरिंग जो है यहाँ से की गई है 1, 2, 3, 4, 5 की लॉन्गेस्ट चेन हमारी 5 जो है कार्बन की बनती है और यहाँ पर सेकेंड नंबर के जो है कार्बन है उस पर सब्सिचुएंट जो अटैच है दैट इज़ ए मिथाइल, ठीक है। और अब इधर देखिए नंबरिंग दूसरी हमने की हुई है जिसमें हमने नंबरिंग लेफ्ट टू राइट स्टार्ट की, तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास सब्सिचुएंट है सब्सिचुएंट को जो नंबरिंग आ रही है वो 4th नंबर आ रहा है। तो ये हमारा जो पैटर्न इन दोनों में से हमारे पास ये इनकरेक्ट कहलाएगा,
क्योंकि हमारा जो लोएस्ट नंबर रूल है वो ये कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबरिंग देनी है. सो दिस फिगर और दिस स्ट्रक्चर इज़ द करेक्ट वन. तो चलिए अब इसका नेम लिखें. लॉन्गेस्ट चेन क्या है? फाइव कार्बन्स की. इट मीन्स मेन जो आपके पास है दैट इज़ ए पेंटेन, बिकॉज ऑल आर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड एट द टू नंबर कार्बन मिथाइल ग्रुप इज देयर. सो फिर वी विल इंडिकेट द पोजिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एंड इट विल बी रिटन बिफोर द पेरेंट नेम. सो द करेक्ट नेम इज टू मिथाइल पेंटेन. अब अगर हमारे पास कभी जो है दो दो या दो अलग अलग जो है सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं, लाइक दो अल्काइल ग्रुप्स हो जाएं, सिमिलर भी हो सकते हैं अल्काइल ग्रुप, उनकी पोजीशन को हमें इंडिकेट करना पड़ता है, डिफरेंट भी अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, तो हमने उसको नेम किस तरह से करना है ये देखिए एग्जांपल. इस एग्जांपल में हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है 1, 2, 3, 4 कार्बन्स की. और अगर हम नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट करें तो भी 1, 2, 3, 4 हमारे पास जो है जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल ग्रुप्स हैं उनको जो है लोएस्ट नंबर ही आता है. तो नंबरिंग हम आइदर साइड से स्टार्ट कर सकते हैं कि आइदर फ्रॉम लाइक दिस 1, 2, 3, 4 बिकॉज हेयर इज़ वन सब्स्टिट्यूएंट हेयर इज ऑल्सो एंड और वी कैन 1, 2, 3, 4 वी आर हैविंग 1, 2, 3, 4 वी कैन गिव द नंबरिंग लाइक दिस बिकॉज हेयर ऑल्सो द सब्स्टिट्यूएंट्स आर एट द 2 or 3 पोजिशंस. सो द करेक्ट नेम विल बी गिवन द 2 एट द 2 पोजिशन 1 मिथाइल ग्रुप एंड एट द 3 पोजिशन अनदर मिथाइल ग्रुप. सो 2, 3 डाई मिथाइल डाई वर्ड्स इंडिकेट दैट 2 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर. मिथाइल ब्यूटेन इज़ द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस सब्सटेंस. नाउ इफ वी आर हैविंग द प्रिफिक्सेस और अल्काइल ग्रुप विच आर ऑफ डिफरेंट काइंड देन वी हैव टू गिव देयर नेम अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर. लेट अस टेक द एग्जाम्पल. सी इन दिस वन कंपाउंड वी हैव टू फर्स्ट सी वट थिंग्स आर प्रेजेंट हेयर. हेयर टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर देयर. वन इज मिथाइल अदर इज एथाइल. देन वी आर हैविंग द डबल बॉन्ड ऑल्सो. सो अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू गिव द नंबरिंग. सो लेट अस सी हाउ वी हैव टू गिव द नंबरिंग एंड अरेंज द दीज एलिमेंट्स. लेट अस ड्रॉ द डायग्राम अगेन. सो वी आर हैविंग लेट अस कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच कार्बन so that we can give the numbering properly to them. Now it is a substance. Now according to the first rule we must give the lowest number to the unsaturated hydrocarbon. So 1, 2, 3, 4, 5 will be there and then substituents must be given the number. अब देखिए इसमें the longest chain हमारी आ रही है 5 carbons की. तो वर्ड रूट क्या होगा? पेंट. और क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो इसका जो प्राइमरी सफिक्स होगा दैट इज़ इन. और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स एक है इथाइल और दूसरा है मिथाइल. तो इथाइल और मिथाइल दोनों 3 पोजीशन पे लगे हुए हैं. अब इन दोनों में से अल्फ़ाबेटिकली हमें इथाइल पहले आएगा और मिथाइल जो है बाद में लिखा जाएगा. तो अब हम इसकी नेमिंग करते हैं. तो 3 इथाइल अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आएगा, फिर 3 पोजीशन पर ही हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, ठीक है. और उसके बाद पेंट इज़ द मेन and because of the double bond it will become pentene.
द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड. इज इट क्लियर? चलिए अब हम अगली देखते हैं कि अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है चेन में. इस एग्जांपल से हमें क्लियर हो गया कि अगर कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कोई एक प्रेजेंट है तो नेमिंग हमने कैसे करनी है. उसके लिए हमने क्या करना है, जो पेर जो हमारा जो एल्केन है कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन के जो हैं कन्वर्ट हो जाता है आइदर इन ए कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन और कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइन डिपेंडिंग अपॉन इफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज देयर और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट. लेट अस टेक द एग्जांपल. नाउ दिस इज अ गिवन. नाउ सी इट इज ए हाइड्रोकार्बन इन विच द टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर टू. सो फॉर द टू वी हैव टू यूज द इथ वर्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड द एग्जैक्ट नेम विल बी इथीन. ड्यू डबल बॉन्ड फॉर दैट वी हैव टू यूज द कॉरस्पॉन्डिंग इन. सो द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कॉरस्पॉन्डिंग टू कार्बन एटम्स इन इथेन contains double bond. Hence, the IUPAC name of this one will be the ethene. The next, if we are having the unsaturated hydrocarbon of the manner having the between carbon-carbon triple bond, then we have to how to write the name of that one. Here again, we have to see this example. In this example, the number of carbon atoms are 2. So for the 2, eth word will be used. And due to the presence of this triple bond, we have to replace an by yin. So the exact name of this will be ethyne. Is it clear? We will discuss.